नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक प्लस टू हाई स्कूल तोपा पिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंदर चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूँ। हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे। ये जो आपके सामने बना हुआ फिगर दिख रहा है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर है, रे डायग्राम है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेस यूज की जाती हैं, दोनों कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। एक शॉर्ट अपर्चर का होता है और शॉर्ट फोकल लेंथ होता है, जिसको ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरा अपर्चर थोड़ा ज़्यादा होता है मगर फोकल लेंथ जो है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है ऑब्जेक्टिव से, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मगर अपर्चर ज़्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग आँख के सामने रखते हैं, उस लेंस को हम आईपीस कहेंगे। दो लेंस यूज हो रहा है, एक को ऑब्जेक्ट के सामने रखे ऑब्जेक्टिव हुआ, दूसरे को आई के सामने रखे आईपीस कहेंगे। अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट ए बी जो है उसको बियॉन्ड फोकस रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, दिख रहा होगा आपको ए डैश बी डैश इमेज बना हुआ है। अब अगर इस इमेज को हम आईपीस को ऐसा एडजस्ट करें कि आईपीस के फोकस और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये इमेज ए डैश बी डैश बने और वो ऑब्जेक्ट का काम करे आई के आईपीस के लिए, तब हम लोग उसका इमेज देख पाएंगे जो कि हाईली मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, ये हमारा रे डायग्राम है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है वो है उसके मैग्नीफिकेशन, उसके एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर को जानना। तो मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है? मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ एंगल सब्सटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सब्सटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं नॉर्मल आई के लिए। आपको हम एक बार फिर से इसमें दिखा दे रहे हैं, यहाँ दो एंगल अल्फा और बीटा का जिक्र है। ये जो बीटा एंगल है ये फाइनल इमेज एंगल बना रहा है और ये अल्फा है जो ऑब्जेक्ट बनाता अगर हम ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते तब। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर हो गया बीटा बाय अल्फा, क्योंकि ये बीटा अल्फा ये सारे एंगल्स बहुत छोटे एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये छोटा एंगल है तो हम लोग बीटा की जगह टैन बीटा लिख सकते हैं और अल्फा की जगह हम टैन अल्फा लिख सकते हैं, लिख दिए। फिर हम उसी डायग्राम में जाएंगे, इससे पहले वाले डायग्राम में, तो वहाँ पर देखिए टैन अल्फा कितना होगा। टैन अल्फा होगा आप देख सकते हैं ए ट्रिपल डैश बाय ए डबल डैश करके हम लिखे हुए हैं, चाहे आप इधर के फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी के टर्म में भी हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी ओ ए, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए डबल डैश बाय बी डबल डैश के टर्म में हम लिख दिए हैं, बाय ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो डी लिखे, एक्चुअल में माइनस डी होगा, दोनों साइड माइनस डी है तो कैंसिल हो जा रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमारा मैग्नीफिकेशन आ रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी। अगर हम इसको ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दें तब आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश बाय ए बी। ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश लीनियर मैग्नीफिकेशन है आई पीस के लिए, उसी तरह से ए डैश बी डैश बाय ए बी मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्टिव के लिए। आई पीस का अगर एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का देखेंगे तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप में आता है केस वन माइनस डी बाई एफ ई हम लिख सकते हैं। ठीक है, वी की जगह माइनस डी लिखेंगे तो वन प्लस डी बाई एफ ई हो गया। और एम ओ जो मैग्नीफिकेशन है किसका, ऑब्जेक्टिव का, उसको हम लिख सकते हैं माइनस बी ओ बाई ई ओ। पुट करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगा, यहाँ देख रहे होंगे आप, माइनस बी नॉट बाई यू नॉट वन प्लस डी बाई एफ ई, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम काफ़ी नज़दीक रखे हुए हैं तो ई ओ को हम नियरली इक्वल टू एफ ओ लिख सकते हैं और वी को हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जो है उसके बराबर लिख सकते हैं। तो एम इक्वल टू माइनस एल बाई एफ ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ, इस टर्म में भी लिखा जा सकता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट हम उस स्थिति को कहते हैं जिसमें फाइनल इमेज जो बनता है वो इन्फिनिटी में बनता है। जब कभी भी फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट।
नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो माइनस एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई होता है। अब हम लोग आ रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। अगर बहुत दूर के चीज को देखना हो तो टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। टेलीस्कोप दो तरह का होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है और एक टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी दो तरह का होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। जिसमें हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि इन्फिनिटी से रे आ रहा है तो पैरेलल आएगा। इसमें भी दो लेंस यूज किए हैं, ऑब्जेक्टिव है और आईपीस है। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे, आईपीस को आई के सामने रखेंगे। ध्यान इस बात का देना है तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कम होता था बट टेलीस्कोप में बहुत ज़्यादा होता है। इसके पीछे कारण क्या है, लार्ज अपर्चर ऑब्जेक्टिव होने का क्या कारण है कि लाइट गैदरिंग कैपेसिटी उसमें ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गैदर कर सके। इमेज जो बने वो आपका ब्लर्ड ना बने, इमेज शार्प बने, ठीक है। इन बातों के लिए हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा लार्ज अपर्चर का हो। तो ये आपका देख रहे होंगे कि ये जो रे आ रहा है पैरेलल आ रहा है, यहाँ टकराने के बाद सब मिल गया, यहाँ पर इमेज बना। यही इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आईपीस के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ले गए रे को, ये इन्फिनिटी में जाके इमेज बन रहा है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मच ग्रेटर दैन द आई पीस, आई पीस का फोकल लेंथ कम होगा, ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा होगा, अपर्चर ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा होगा, सो एज टू अलाउ लार्ज अलाउ मोर लाइट टू पास थ्रू इट। इसका भी मैग्निफिकेशन देखेंगे। तो इसमें मैग्निफिकेशन में जो डेफिनेशन बोलेंगे उस ध्यान रखना है कि यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ बिटवीन विजन नहीं बोलेंगे। इसमें भी एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फा आएगा। मैग्निफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हम बोल सकते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट इज द रेशियो ऑफ एंगल सब्टेंडेड बाय द इमेज एट द आई एज सीन थ्रू द टेलीस्कोप टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एज सीन डायरेक्टली। तो टेन बीटा बाई टेन अल्फा आ गया। टेन बीटा को एफ ई आई बाई पी ई एफ ई लिख सकते हैं और टेन अल्फा को हम लोग एफ ई आई बाई पी नॉट एफ ई लिख सकते हैं। काटेगा सारा, कटने के बाद फाइनल आंसर आएगा माइनस आई बाई एफ ओ। आई जो है वो कट करके आएगा फाइनल, आई कट जाएगा, आएगा आपका माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये आपका पूरा देखेंगे तो देख रहे होंगे कि ये जो है ना ये डिस्टेंस को आपका आई मान रहा है, तो ऑटोमेटिक दोनों केस में कट जाएगा और फाइनल आंसर माइनस एफ ओ बाई एफ ई आएगा अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में एफ ओ बाई एफ ओ प्लस एफ ई। लेंथ का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंथ और आईपीएस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अब है ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप। एक्चुअली में रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कुछ डिमेरिट्स है। पहला डिमेरिट है कि उसमें क्रोमेटिक एवरिएशन होता है और दूसरा होता है स्फेरिकल एवरिएशन होता है। कलरफुल इमेज बनता है, सारे के सारे रे ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो पाते हैं जिसके कारण स्फेरिकल एविएशन होता है। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग न्यूटोनियन टेलीस्कोप जो कि रिफ्लेक्टिंग टाइप है वो यूज़ करते हैं। इसमें एक कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं पाराबोलाइडल शेप का, जो कि ऑब्जेक्टिव का काम करता है। अब ये रे आ रहा है बहुत दूर से, हम यहाँ लिख दिए हैं लाइट फ्रॉम स्टार आ रहा है, टकराएगा, टकरा करके जैसे ये बैंड करेगा मिलने वाला रहेगा फोकस में, उससे पहले हम लोग एक प्लेन मिरर लगा देंगे सो दैट कि प्लेन मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए और फाइनल इमेज हमको आई में नजर आए। वो पैरेलल ही नज़र आएगा, इन्फिनिटी से आ रहा था, इस केस में भी इमेज इन्फिनिटी में बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट कहेंगे क्योंकि यहाँ कनकेव मिरर हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज किए हैं और उसका फोकल लेंथ ऑलरेडी नेगेटिव होता है, इसलिए इसका मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफ ओ बाई एफ ई ना होकर के एफ ओ बाई एफ ई आएगा, ठीक है। ये हमारा रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा माइक्रोस्कोप का। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट को हम कितना नज़दीक रखें सो दैट कि दोनों का इमेज हमको अलग अलग नज़र आए, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। और उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी जस्ट रिजॉल्व व्हेन सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। हम दो ऑब्जेक्ट को काफ़ी नज़दीक रखेंगे,
कितना नजदीक मिनिमम रखे कि दोनों का इमेज हमको अलग अलग नजर आए, दोनों हमको अलग अलग दिखे, उसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहेंगे। उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। इसका फॉर्मूला आता है माइक्रोस्कोप के लिए 2 μ sin θ/λ। रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, लैम्डा पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पर। ठीक है, आप देखते होंगे प्रैक्टिकल करते हैं तो बायो वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उसमें एक लिक्विड में मिलाया जाता है, वो क्या करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देता है, तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। ठीक है, हाफ द एंगल ऑफ कोन ऑफ द लाइट फ्रॉम वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इसको हम लोग सेमी एंगल भी कहते हैं। इसी तरीके से रिजॉल्विंग पावर अगर हम टेलीस्कोप देखेंगे तो इसका आएगा a/1.22λ। इसमें a होता है अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना a यहाँ पर क्या है, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस या डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रे ऑप्टिक्स समाप्त हो गया है, अब अगले दिन से हम वेव ऑप्टिक्स डिस्कस करना शुरू करेंगे।